आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आपसे क्या अवेयरनेस प्रोग्राम या क्या पहल? सरकार जिस दिन झारखंड में एक भी पॉजिटिव केस नहीं था, उस दिन भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के विरुद्ध लगे हुए थे। हमारी गठबंधन की सरकार आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व और दिशा निर्देश पर काम कर रही थी। कोरोना वायरस से तब तक हम लोग भयभीत थे जब शुरुआती समय में लोग जो हैं इस बीमारी को बहुत बढ़ा चढ़ा के विकराल रूप दिखा रहे थे, लेकिन जब ये कोरोना वायरस आया है डर से हम तब तक डर से डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आए। जब डर सामने आया है तो डट के मुकाबला करेंगे। ना कोई डर की बात है ना चिंता की बात है। अभी तक कुल 761 पॉजिटिव मरीज आए हैं जिसमें 905 ठीक भी होके जा चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो 52% के करीब है और जो मृत्यु दर है वो मात्र 8 लोग मरे हैं। मौत तो एक भी दुखदाई है लेकिन चूंकि चर्चा कर रहे हैं 8 लोग जो लोग मरे हैं वो विभिन्न बड़ी बीमारियों से ग्रसित थे, उम्रदराज थे, उनके मल्टी ऑर्गन फेल हुए, जिनको किडनी हार्ट अटैक शुगर उक्त रक्तचाप था और कुल मिला के 0.45% मृत्यु दर है। इसलिए और अभी जो लोग बचे हैं मैं समझता हूँ 800 कुछ लोग जो हैं अभी पॉजिटिव हैं, तो कहीं से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग भयभीत नहीं हैं, अब जो शुरुआती दौर था वो नहीं है। अब हम लोग धीरे धीरे इसके हैबिट्यूटेड हो गए हैं और हमको ये समझ में आने लगा है कि इसको हम कैसे इस बीमारी से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार से बताइए कि क्या उम्मीद करते हैं कि ताकि आप और बेहतर सुविधा दे पाए झारखंड वासी। देखिए, केंद्र सरकार से हम उतना ही उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको बड़े बड़े उपदेश दे रही है, बड़ा बड़ा भाषण का घुट्टी पिला रही है, कभी ताली बजवाती, कभी थाली बजवाती, कभी दिया जलवाती, कभी मोमबत्ती जलवाती, कभी नारे लगवा रही है, लेकिन कोई ठोस केंद्र सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। और प्रधानमंत्री जी हर चीज़ में इतना उतावलापन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे नोटबंदी थी, अचानक रात आए और कहा कि नोटबंदी हो गई, इसके आउटपुट बड़े निकलेंगे, भ्रष्टाचार, उग्रवाद और काला बाजारी सब बंद हो जाएगी, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। लॉकडाउन करा दिया, ना ये विचार किया कि इस देश के जो गरीब लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, अपने घर कैसे लौटेंगे। अचानक बोल दिया बिना रणनीति, बिना स्ट्रेटजी, बिना प्रोग्राम, बिना विशेषज्ञों से राय विचार किए हुए, ये बिना सोचे हुए कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी लागू होता है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो उन्होंने अपना केवल बाभाई लूटने के लिए अचानक लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन करने के बाद 2 महीना तक लॉकडाउन होने के उपरांत जब अप्रवासी मजदूरों को जब जाना पड़ा तो उसके बाद देखिए, ये जो आप इसका आकलन करिएगा, मूल्यांकन करिएगा, तो जो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं ये पॉजिटिव रिजल्ट झारखंड में तभी बढ़े हैं जब हमारे भाई जो हैं प्रवासी भाई आने लगे हैं। तो यदि शुरुआती दौर में जब जनवरी में के पहले जनवरी में ही 30 जनवरी को पहला पॉजिटिव केरला में आ गया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री फरवरी तक अगवानी कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति का।
और उस समय इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही थी, पूरा सामान्य था, और उस समय ना किसी को रोका, ना टोका, ना कुछ किया। दिल्ली जल रही थी और राजा जो है बांसुरी बजा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मिस्टेक हुई है, चूक हुई है। लेकिन उसी मिस्टेक चूक को एक पोलराइज करने की पॉलिटिक्स के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मामले को एक माहौल बना दिया। चलिए सीधा सवाल और सीधा जवाब, आपको केंद्र से अभी क्या केंद्र से हमको अभी आर्थिक मदद चाहिए। जो हमारे 8-9 लाख प्रवासी लोग हैं उनको हम मनरेगा से जोड़ेंगे। मनरेगा का दैनिक जो उसका देय वेतन है, ये है मानदेय है, वो 192 रुपया के करीब है। उसको 350 रुपया करें और जो देय मानक है उस मानक को बढ़ाएं। जो हमारी कोयला का रॉयल्टी है हमको वो रॉयल्टी दें। हमारा जीएसटी का जो पैसा है वो दें। साथ में चूंकि 20 लाख करोड़ भाजपा के लोगों ने बताया, 0-0-0 इतने जीरो, तो कम से कम वैसे जीरो नहीं बन जाएं जैसे बिहार के चुनाव में कहा था, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 1,25,000 करोड़, लेकिन वहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ भी 20 लाख करोड़ का सपना दिखाया है, तो 20 लाख करोड़ का यदि सपना में हमारे गरीब झारखंड को यदि 1 लाख करोड़ भी नहीं दें, 75,000 करोड़ भी दें, तो हम समझेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस गरीब पिछड़ा दलित आदिवासी के राज्य के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता उनके मन में है, अन्यथा भाषण की घुट्टी से इस राज्य का भला नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी, कोरोना के नाम पर निजी अस्पतालों में खासकर 2,000 रुपये अधिक लिए जाते, इसके लिए क्या उद्देश्यों को लेकर, चाहे वो प्राइवेट नर्सिंग होम हो, हमने देखिए प्राइवेट नर्सिंग होम के प्रति भी हम संवेदनशीलता बरते हैं। जब हमारे कुछ अधिकारियों ने कुछ कुछ नर्सिंग होमों को अकारण रद्द किया उनका निबंधन, तो मैं सबसे पहले खड़ा हुआ और उनके पक्ष में बात की। जब दवाई दुकानदारों पर आफत आई, ड्रग इंस्पेक्टर हमारे कुछ कुछ जगह पर तंग करने लगे, तो मैंने दवाई दुकानदारों की मीटिंग की, उनसे कहा 1 रुपया घूस मत दो, मैं हूँ। लेकिन जब प्राइवेट नर्सिंग होम यदि जिस शपथ और उद्देश्य के साथ उसकी स्थापना हुई है और उसको निबंधित किया है, उस उद्देश्य के विरुद्ध यदि वो काम कर रहे हैं, हमको जानकारी होती है, तो हम लोग बहुत जल्दी कुछ कुछ पर बड़े एक्शन भी करेंगे और उनका निबंधन भी रद्द करने की हम प्रक्रिया चालू करेंगे। देखिए, झारखंड पूरी तरीके से तैयार है, झारखंड को अंडर एस्टिमेट करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जरूर भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, लेकिन हमारी शरीर की भी प्रतिरोधात्मक क्षमता और हमारी बौद्धिक शक्ति भी अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है।